हर किसी को मुतमईन करना मुश्किल होता है, शिकायत जरूर होती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा है। मैं ऐसी बातें बर्दाश्त करने का मुतहम्मिल हरगिज नहीं हो सकता। आप बिल्कुल इत्मीनान रखिए आका, शिकायत बजाते खुद सुनूंगा, अगर अनजाने में कोई खता हुई तो मैं फौरन तलाफी करूंगा। यही बेहतर होगा, तुम जा सकते हो। जैनब खातून कैसी हैं? आफियत से होंगी उम्मीद है। खुदा का शुक्र है, ठीक है मलिका। अपनी बेटी की देखभाल में मसरूफ हैं। औलाद की जवानी के साथ उनके मसाइल भी बहुत बढ़ जाते हैं। आप बिल्कुल बजा कह रहे हैं, अल्लाह उनकी मदद फरमाए। आमीन। शेखुल इस्लाम फिनेरी जादे के हवाले से मुस्तकिल बास परेशान कुन बातें सुन रही हूँ मैं। आप किन परेशान कुन बातों का तस्करा कर रही हैं मलिका? वैसे शेखुल इस्लाम साहब के बास ख्यालात मुझे पसंद नहीं है, ये बात दुरुस्त है। इस मसले पर आप हक पर हैं, ये बात आश्कार है। वैसे आका के भी यही ख्यालात हैं। दरअसल मैं ये चाहती हूँ कि उस मुकाम पर आपको होना चाहिए, क्योंकि आप तजुर्बे की बदौलत ज्यादा हक रखते हैं। आपकी बहुत नवाजिश है मलिका, मैं क्या कह सकता हूँ। किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है, इसके सिवा कुछ नहीं। किस्मत पर कनात करके यूचुप चाप इंतजार करना भी तो मुनासिब बात नहीं है ना? क्यों, मैं ठीक कह रही हूँ ना? मगर मैं इसे मुनासिब समझता हूँ। अजीम रब ने इंसान को अक्ल व शऊर अता किया है मलिका, दुरुस्त और गलत का अंदाजा लगाकर अपना रास्ता खुद बना लेता है। तो फिर अबू सऊद साहब, सल्तनत आलिया के मुफाक की खातिर बाज अहम फैसले करने की जरूरत पेश आती रहती है। बिल्कुल, मैंने आज तक अपने लिए कभी किसी मकाम की ख्वाहिश नहीं की मलिका, और आइंदा भी नहीं करूँगा। आका मुझे जहाँ भी मुकर्रर करेंगे मैं वहीं रहूँगा। इसमें कोई शक नहीं है। आप दुरुस्त रास्ते पर चलते रहें यही काफी होगा, मगर एक दिन हम जरूर अच्छा होंगे, क्योंकि हमारा रास्ता एक ही है। शहजादे, ये तारीफ आपके लिए है, आपके लिए लाए गए हैं। कौन लाया है? आने वाले तारीफ का कोई शुमार ही नहीं है शहजादे, अवाम बसत मोहब्बत और इज्जत आपके लिए भेज रहे हैं। कुछ देर पहले बावर्ची खाने गया था, वहां भी अशिया की भरमार है माशाल्लाह। हाला, मैंने आपसे कहा था शहजादे, हो सके तो चंद गुस्ताखों की बातों पर कान ना धरें, अहले मनीसा आप पर जान निछावर करते हैं। गजनफर, तुमने दुरुस्त कहा था, तुम जा सकते हो। क्या सब कुछ ठीक है? हाँ बिल्कुल सब ठीक है खातून, ये बात तुम्हारी अक्ल में कैसे आ गई? वैसे तुम वाकई काफी जहीन हो। मैंने दिक्कत महलात में यूं ही वक्त नहीं गुजारा मैंने, लेकिन एहतियात करना, अगर ये बात सामने आ गई कि जितने भी तहाइफ हैं वो सब के सब हमने भेजे हैं और नमाज जुम्मा में भी लोगों को हमने इकट्ठा किया था, तो शहजादे बेहद गजबनाक हो जाएंगे और वो किसी को भी खातिर में नहीं लाएंगे। कहाँ क्या बात करनी है बखूबी जानती हूँ मैं, तुम दूसरी खवातीन और आगाओं पर हुकूमत करो, यही काफी है। वजन फरागा, कहो। एक खातून आई है आपसे मिलने की जिद कर रही है। कौन हो तुम खातून और क्या चाहती हो? शहजादे से मिलना चाहती हूँ मैं। तकलीफ क्या है खातून, पहले ये बताओ। मेरे शौहर की जान ले ली, नाम महमूद था, बाजार में दुकानदार था,
उसे शहजादे ने मारा है ये बताया गया है। तुम क्या कह रही हो खातून, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे शोहर की किसी से दुश्मनी नहीं थी, शहजादे ने ऐसा क्यों किया? मुझे और मेरे बच्चों को बेआसरा कर दिया। सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है खातून, तुम ऐसी बातों पर यकीन ना करो। इस वाकये के गवाह मौजूद हैं, शहजादे से कहें अगर जरूरत पड़ी तो मैं काजी के पास भी जाऊंगी, अपना हक लेने के लिए हर हद तक जाऊंगी मैं। तुम कौन होती हो ऐसे अजीम शहजादे के खिलाफ काजी से शिकायत करने वाली? ले जाओ इसे और कभी दोबारा अंदर मत आने देना। इंसाफ की नजर में सब बराबर है, जरूरत पेश आई तो दरबारे हुमायूं तक भी जाऊंगी मैं। कहीं आप किसी गलतफहमी का शिकार ना हो जाएं अबू सऊद साहब, यही वजह है कि मलिका ने सूरतेहाल के मुतालिक आपके ख्यालात जानना चाहे। मैंने उन्हें शेखुल इस्लाम साहब के मुतालिक अपने ख्यालात से आगाह कर दिया है। मौजूदा सूरतेहाल के मुताबिक वो अपना मुकाम संभालने और जिम्मेदारी निभाने से आजिज हैं। तो फिर आप ये बात आगा की गोश गुजार कीजिए ताकि इस मकाम के लायक किसी अहम शख्सियत को ढूंढ कर उस मकाम पर मुकर्रर कर दिया जाए। मेरे जहन में जो भी है उसे आका से हरगिज नहीं छुपाऊंगा, और जब मौजूए बहस सल्तनत आलिया का मुस्तकबिल हो तो फिर। वजीर आजम मोहतरम, कौन हो तुम, क्या चाहते हो? पाशा, मैं यनीचरों में से एक सिपाही एहसान हूँ, अली आका ने भेजा है मुझे। खैर होगी इंशाल्लाह। अली आगा ने उसूलों के मुताबिक आप जैसे बेशकीमत वजीर आजम की शान में एक शानदार ज़ियाफ़त का एहतमाम किया है, अगर आप कबूल फरमा कर तशरीफ लाएं तो हमारे लिए एजाज होगा। मैं अल्लाह की रजा से वहां जरूर आऊंगा। जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है, आप नहीं होते तो मैं क्या करती मुझे नहीं मालूम। मुझे भी एक अच्छा बहाना मैसर आ गया, हेल में रहकर तो तंग आ गया हूं। अच्छा हुआ कि आप नहीं गए मनीषा, गलत मत समझिएगा मैं, अगर आप मनीषा चले गए होते तो हमारी मुलाकात मुमकिन नहीं होती, इसलिए कह रही हूँ। मुलाकात तो किसी भी दिन हो जाती। आप कह रहे काश मैं चला जाता। बिल्कुल, मनीषा एक आम रियासत है, लेकिन शायद कुताया ज्यादा आम है। मनीषा से ज्यादा आम है क्या? इसलिए कि आप संभाल रहे हैं उसको। बाजार आए हैं तो क्या कुछ देर घूम सकते हैं? ज्यादा देर नहीं घूमेंगे। क्या कीमत है इसकी? 4 अशरफियों का है, अच्छा जूता है। ओहो, सोने का बना हुआ है ये, तुम्हें लोगों को लूटते हुए शर्म नहीं आती? बताओ, कुछ देर पहले तो तुम इसके 2 अशरफिया मांग रहे थे मलून। मैंने कब मांगी है मुझे भी बताओ। अपने पास रखो ये, मुझे नहीं, नहीं चाहिए। तुम मत लो, चल हटो, जहन्नुम में जलाए जाओगे तुम। शहजादे थे क्या वहाँ पे? तुम लोग जरा यहीं। क्या हुआ? संभल ने देख लिया तो एक लम्हा जाए किए बगैर वालदा तक खबर पहुंचा देगा। कसम से। अभी देखा और अभी गायब। लता दू क्या आगा? ओहो, हटो यहाँ से। आगा देखिए, ऐसा कपड़ा यहाँ किसी के पास नहीं मिलेगा। खातून, कसम से अल्लाह ने भेज दिया तुम्हें मेरे पास, तुमने बड़ी मुसीबत से बचा लिया मुझे। कौन था वो? क्या आपका कोई दुश्मन था? कैसा दुश्मन हो वो, बहरहाल कोई भी था। तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मदद की। शर्मिंदा तो ना करें, आप जैसे साहिब हैसियत शख्स के काम आ गई, ये मेरे लिए बेहद खुशी की बात है। सब कुछ गलत हो गया।
मलिका। रुस्तम, अबू सऊद साहब से गुफ्तगू हुई तुम्हारी? ज्यादा अहम मसला दरपेश आ चुका है मलिका। दरबार में एक कासिद आया था और उसके मुताबिक अली आगा ने कल मुझे यानीचरों की लश्करगाह में मदू किया है। उम्मीद है कबूल कर लिया होगा तुमने। मजबूर हो गया था मैं, अगर नहीं गया तो वो लोग समझेंगे कि मैं डर गया हूँ, और अगर जाऊँगा तो मालूम है क्या होगा। क्या हो जाएगा? तुम्हें बुलाकर दस्तक खान पे जहर तो नहीं दे देंगे ना वो लोग? सब कुछ मुमकिन है मलिका, वहाँ मेरी जान भी ले लें तो कोई क्या कर लेगा। आका चंद सर कटवा देंगे और चंद कुर्बान कर दिए जाएंगे, मगर मैं तो मर जाऊंगा। तुम्हारे तीन ढाले हैं रुस्तम, पहली मैं, दूसरे मेहरमा और तीसरे खुद आका है। दस्ते दुश्मना में जितने भी तीर और तफंग मौजूद हैं, वो इन तीन ढालों को टुकड़े करने से पहले तुम तक कभी नहीं पहुंच सकते। ये बात कभी सहन से मत निकालना। ये देखिए साहब, ऐसा कपड़ा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। कसम से सच कहती हो खातून, सुबह से पूरा बाजार छान मारा लेकिन ऐसा कपड़ा नहीं मिला। तुम्हारे पास जो है सच्चा कहीं नहीं है। मैंने सब खरीद लिया। हाँ, अल्लाह आपको खुश रखे। अरे रुको खातून, बाजार में तुम लोगों के सामने क्या कर रही हो? अस्तग़फ़िरुल्लाह। माज़रत पाशा, खुद पर काबू नहीं रख पाई मैं। पाशा? हाँ, आपसे ही कह रही हूँ। पाशा नहीं है क्या आप? ताजिर हूँ। वो हाँ, ताजिर हूँ मैं, ताजिर। गैर मुल्की माल की तिजारत करता हूँ। तुम्हारा क्या नाम है? जौहर है मेरा नाम, आपकी तरह तो नहीं लेकिन मैं भी तिजारत ही करती हूँ। तुम कपड़े फरोख्त करने वाली हो ना? तिजारत कहीं से तो शुरू करनी थी ना। जहां तुम्हें उससे भी बेहतर मिल गया। क्या हुआ है? शहजादे से कोई दिल शिकनी वाली बात तो सरजत नहीं हो गई? नहीं, बल्कि मुझसे सरजत हो गई। अपना दर्द ना बताने वाले को दवा नहीं मिलती। वो कैसे हुआ पता नहीं चला, सब कुछ एक लम्हे में हो गया। खुद को रोक ना सकी मैं, उन्हें प्यार कर लिया। जहां, मेरा कलेजा तो लबों तक आ गया, मैं समझी कि न जाने क्या हो गया। आफरीन है तुम पर, बहुत अच्छा किया। जानबूझकर नहीं किया, मैंने कहा ना कि एक लम्हे में हो गया अचानक। वैसे भी दिल के मामला जानबूझकर नहीं, अपने आप तय हो जाते हैं। तुमने अभी पहली सीढ़ी पर पांव धरा है, बल्कि उसके दिल में भी जगह बना ली। अब उसे सोचने के लिए तन्हा छोड़ दो। बा अदब, शहजादे बेयाज़त तशरीफ ला रहे हैं। वालिदा, आपने मुझे याद फरमाया। तुम भेष बदलकर बाजारों में घूम रहे थे और वो भी हमरा कोई मुहाफिज लिए बगैर। मैं अब बच्चा नहीं हूं वालिदा। अगर ऐसा है तो एक शहजादे की तरह रहो। मैं बाबा और तुम्हारा ताल्लुक खुशगवार बना रही हूं और तुम साथ खरीदते फिर रहे हो। हूर जहां का क्या काम था तुम्हारे साथ? इसमें क्या हर्ज है वालिदा, उसे बस एक साज ही तो दिलाने गया था मैं। इतने आगाओं के होते हुए क्या एक तुम ही रह गए थे? तुम कैसे इतनी लापरवाही बरत सकते हो? बाबा की समाज तक पहुंच गई तो जानते हो कि क्या होगा, अंदाजा है तुम्हें? आप चाहें तो बता दें उन्हें, मुझे कोई परवाह नहीं।
बाबा ने सलीम को तुम पर तरजीह क्यों दी थी ये सवाल किया था ना तुमने मुझसे, तो सबब यही था। सिर्फ इसी वजह से बाबा ने तुम्हें तखनशीन रियासत नहीं भेजा था। वो हक पर है, वो तुम पर क्यों करे भरोसा? अपनी लापरवाही देखो। आप मुतमईन रहे वालिदा, बाबा के और आपके दिल का शहजादा मनीषा में तखनशी है। फलाही इदारे चलाने के लिए लोगों को जल्द अज जल्द मुंतखब करने की जरूरत है। अमसिया के तमाम अहम खानदानों तक खबर पहुंचा दी है मलिका, सब ने आमादगी जाहिर की है। ज़ियाफ़त का इहतमाम करो, मुझे सब लोगों के बारे में मालूमात दो, इसी लिहाज से तहाइफ भी तैयार करवा लेते हैं। मेहरुन्निसा कहाँ? तुम कैसी हो मेहरुन्निसा? तुम यहाँ सुकून से रहो, किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे जरूर बताना। आपकी नवाजिश है, किसी चीज की जरूरत नहीं। दर्जियों से कह दिया है, तुम्हारे लिए खसूसी मलबूसात तैयार करने का हुक्म दिया है, वो कुछ देर बाद मेरे पास आएंगे। आपका बहुत शुक्रिया मलिका। वजीर आजम मोहतरम तशरीफ ला रहे हैं। पाशा मोहतरम, खुशामदीद। आपका लुत्फ करम है कि आपने हमारी दावत को कबूल फरमाया। तुम्हें और सब बहादुर सिपाहियों को मेरा सलाम। तुम्हारी जानिब से मिलने वाली दावत में शरीक होना मेरे लिए फख्र है। चलिए पाशा, दस्तरखान तैयार है। वजीर आजम मोहतरम, आज आप पहली मरतबा लश्करगाह तशरीफ लाए हैं। हाँ, लेकिन अब मैं बाकायदगी से आऊंगा। हमें खुशी होगी क्योंकि मरहूम इब्राहिम पाशा ने खुद ये लश्कर तैयार किया था। यही वजह है कि इस लश्कर को पाशा लश्कर के नाम से पुकारा जाता है। मेरे आका शहजादे बेयाज़त मोहतरम तशरीफ लाए हैं। आने दो से। मेरे आका बेयाज़त, मेरे पिसर खुश आमदीद। आपसे अलविदा कहने आया हूं मैं, रियासत वापस जाने का वक्त आ गया है। तुम तो कुछ अरसा मजीद कायम करना चाहते थे। लाला मुस्तफा ने खबर भेजी, मुझे वहां जाकर कुछ अहम मसाइल की निगरानी करनी है, इस वजह से। अगर ऐसा है तो जाओ, एक शहजादे के लिए मुनासिब तरीन जगह रियासत ही है। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ फरमाइएगा। बेअज़त, तुम्हारे हवाले से मुझे बास चीजें परेशान कर रही हैं। उन सब का जवाब क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी कुछ बातों को अपनी गिरह से बांध लो।
मनीषा का फैसला करते हुए एक बार और मुझ पर आश्कार हो गया कि तुम सब मेरे दिल में अलग अलग जगह रखते हो, लेकिन मेरी मोहब्बत सबके लिए यकसा है। वालिद की हैसियत से आप मुझे चाहते हैं, लेकिन आका की हैसियत से आप मुझ पर बिल्कुल एतमाद नहीं करते। क्या यही कहना चाहते हैं आप आका? दुरुस्त समझा क्या मैंने? मैंने वो फैसला अपनी औलादों के दरमियान तफरका रोकने के लिए किया है, ताकि कोई इम्तियाज बाकी न रहे। यही सच है अगर तुम समझना चाहो तो। काश के मसला सिर्फ यही फैसला होता। एक शहजादा क्या सोचता है, क्या महसूस करता है, मैं अच्छी तरह जानता हूं, क्योंकि मैं भी एक शहजादा था। लेकिन तुम बेअज़त, क्या तुम ये समझ सकते हो कि एक हुक्मरान क्या महसूस करता है? ये बात कैसे समझ सकता हूं मैं? पाशा मोहतरम, कई बरसों से हम पाया तख्त से बाहर नहीं गए। सिपा जंग पर जाने की ख्वाहिश रखती है। जंग पर जाने के लिए अजीम तैयारियों की जरूरत होती है अली आगा, और इसके अलावा जंग और सुलह का फैसला सिर्फ आका ही करते हैं। पाशा को शोरबा पेश किया जाए। पाशा मोहतरम, इसका क्या मतलब हुआ? आप काबिले एहतराम मेहमान हैं। मेहमान के लिए हम गलत नहीं सोचते और ना ही किसी को गलत सोचने की इजाजत देते हैं। इसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है अली आगा, मैं अपने महल में भी इस तदबीर से काम लेता हूँ। ये हमारे लिए सारे आम हिकारत है पाशा, यानीचरों के सामने आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अब हम इतने भी कमतर नहीं कि दसर खान पर बुलाकर अपने मेहमान की जान ले लें। अगर हम ऐसा करेंगे तो ये बात सब पर आश्कार हो जाएगी और हम ऐसे अजीम गुनाह का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तुम अपनी हुदूद से तजावुज कर रहे हो। यानीचरों पर तलवार उठाने का बदला चुकाना पड़ेगा पाशा। शुक्र करो कि तुम्हारा सर कल नहीं किया। तुम्हें इसका हिसाब देना होगा, हर किसी को इसका हिसाब देना होगा। तुम ही जरा उससे बात करके देखो मेहरमा, वैसे भी वो मेरी बात नहीं सुनेगा। क्यों ऐसा कह रही हैं वालिदा आप? बेअज़त को आप नहीं जानती क्या? बहुत हसास है वो। उसने मेरी नाराजगी मोल ले ली है। तुम बात करो उससे, उसके बाद मैं भी बात कर लूंगी। फिर मलिका, क्या हुआ आफीफा खातून? लुकमान आगा कुछ देर कबल आए थे, शहजादे बेअज़त चले गए हैं। आका से मुलाकात करके वो पाई बाग की जानिब गए हैं। बेअज़त, चलो तुम महल वापस जाओ ब्रदर। जिद न करो बेअज़त, कम से कम वालिदा से मिलकर जाना चाहिए, उन्हें दुख होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। अल्लाह की अमानत में रहो जहांगीर। एक बार फिर तुमसे कहता हूं, जब भी आना चाहो आ जाना। ऐ
बयाजत महल से चला गया है। तुम्हें मालूमात नहीं थी क्या? वो तो थी बिल्कुल, मगर आप दोनों के लिए परेशान थी। आपकी क्या गुफ्तगू हुई? आओ। मेरे आका, नसू अफंदी तशरीफ लाए हैं, मसला अहम है। आने दो उसे। आका, मलिका। खैर तो है नसू अफंदी, इतना अहम मसला क्या है? ये नीचर सिपाहियों में शदीद बेचैनी पाई जाती है, और रुस्तम पाशा और अली आगा के दरमियान कोई बदमसगी हुई जो इतनी बढ़ गई कि तलवारें मयान से निकल आईं। क्या ये लोग खुद को मैदान जंग में समझ रहे हैं? कहाँ है रुस्तम पाशा? कुछ देर कबल दीवान में पहुंचे हैं आका, अगर आप चाहें तो। बस इसी की कमी रह गई थी। कोई भी इस अजीम सल्तनत के वजीर आजम के साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकता, इस वजह से मैं उसे बरतरफ कर दूंगा। मेरी राय तो यह है कि आपको उजरत नहीं करनी चाहिए पाशा, आका से गुफ्तगू फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि आका की इजाजत के बगैर कोई भी यनीचर आगा को बरतरफ नहीं कर सकता। मुझे यकीन है आका भी मेरे हम ख्याल होंगे अमीरुल बहर पाशा। बा अदब सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। मैंने जो सुना है क्या वो सच है रुस्तम पाशा? यनीचर लश्कर गांव में तलवारें निकल आईं। मैं भी इस मौजू के मुतालिक आपको मालूमात देने के लिए खुद आपके पास आ रहा था आका। मसला क्या है? अली आगा अपने हक को फरामोश करके मेरे मकाम के मुतालिक नाजिबा कलमात अदा कर रहा था आका। मैं उसे कई बार नसीहत कर चुका हूँ आका, लेकिन जब उसने मुझे मारने की धमकी दी तो मैं अपनी हिफाजत करने पर मजबूर हो गया, इसलिए उनकी बरतरफी का फैसला लिखवाकर आपके पास आने वाला था। अली आगा कहाँ है? वो बाहर मुंतजर खड़े हैं आका। अंदर बुलाओ। अली आगा, सुना है कि तुमने रुस्तम पाशा को मारने की धमकी दी है, क्या ये दुरुस्त है? हरगिज नहीं आका, मेरी क्या मजाल कि मैं पाशा मोहतरम को धमकी दूं? यूं ही बैठे बैठाए मैदान से तलवारें बाहर नहीं निकलती। रुस्तम पाशा मोहतरम को कवानीन के मुताबिक जोराने पर मधु किया था आका, दरअसल मैं इन्हें सिपाहियों को लाहक परेशानियों से आगाह करना चाहता था। इस दौरान खाना पेश किया गया, पाशा ने हमारी रिवायत की तौहीन करते हुए पहले खुद ना खाया बल्कि खाने को अपने माफी से चखवाया, जैसे उसमें जहर मिला हो। इनका ये जिल्लत आमेज रवैया मुझे और तमाम यनीचरों को बिल्कुल पसंद ना आया, और इसीलिए बात बढ़ गई। इनके मुहाफिजों ने हम पर तलवारें तान ली, लेकिन सुल्तान के मेजबान की हैसियत से किसी एक भी यनीचर ने इनको किसी भी किस्म का जवाब नहीं दिया। वाकया बस यही कुछ था आपका। क्या दुरुस्त है ये जहर वाला मसला? ये सिर्फ उनके लिए मखसूस नहीं था, मैं हर जगह पर ऐसे एहतियात से काम लेता हूँ। अब तुम जा सकते हो। अमीरुल बहर पाशा, मुझे आपसे इस वाकये के मुतालिक तफसीली मालूमात चाहिए, उसके बाद मैं अपना फैसला सुनाऊंगा। जो हुक्म बादशाह सलामत करे। अमीरुल बहर पाशा की दुख्तर हूँ ना? हाँ मैं हूँ, अगर मुझे जरा भी नुकसान पहुँचा तो तुम सबकी जान ले लूंगी। मुझे पहले ही मालूम था कि तुम किसी कुरेद में हो, लेकिन अच्छा हुआ तुम खुद मेरे पास आ गई। अगर इस वक्त तुम्हारी जान ले लूँ तो
किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब्दुल्ला, आप ठीक हैं? ठीक हूँ। बुरा हुआ, शहजादे इसे जिंदा रखना चाहते थे। ये मेरी खता है, वो गुजरना था तो मैं समझी फरार होने की कोशिश कर रहा है, मैंने इसका ताको पढ़ना चाहा। ये इसी सुलूक का मुस्तहक था। अब क्या करेंगे, कैसे वजाहत करेंगे? शहजादे को तुम दोनों के बारे में मालूम नहीं होना चाहिए। दरअसल एक ही तरीका है आपको और हमें बचाने का, वही तरीका। मलिका, आपके लिए खास शरबत बनवाया है, आपको यकीनन फायदा होगा। शुक्रिया फीफा खातून। मुझे उम्मीद है अब आप बेहतर होंगी। बाज़ औक़ात बुरी हालत हो जाती है, रातों को पसीने में भीग जाती हूँ, लेकिन पहले से बेहतर हूँ, बहुत बेहतर। मलिका, आका के पास जाने वाली खवातीन को सिर्फ आप मुंतखब करेंगी, ये बताया था सुम्बुल आगा ने। आपको एतराज है क्या? ये मेरी जिम्मेदारियों में से एक है मलिका, इसलिए कि इससे आपको बहुत रंज होता है, मुझे अंदाजा है। आप फातिमा खातून पर काबू रखें, क्योंकि वो दोबारा किसी को भेजे मैं नहीं चाहती हूँ। तवील अरसे के बाद औलाद की खबर सुनकर तो आपको बहुत खुशी हुई होगी ना का? अजीम रब की जानिब से ये अजीम तोहफा है, मेरे अल्लाह का बहुत एहसान अजीम है। इस बात में कोई शक नहीं मेरे आका, और अगर अल्लाह ने चाहा तो शहजादा ही होगा। नहीं, मैं इजाजत नहीं दे सकती, इस महल में कोई और शहजादा पैदा नहीं होगा। आओ। वजीर आजम मोहतरम, महमूद आगा आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। भेज दो उसे। मैंने सुना है कि तुम्हें जालिम महमूद कहा जाता है।
یہ درست ہے پاشا محترم، ایک مرتبہ ظالم پہلوان کو میں نے ہلاک کر دیا تھا، اس وجہ سے لوگ مجھے اس لقب سے پکارنے لگے۔ عزیز آغا کو جانتے ہو؟ جی ہاں جانتا ہوں۔ تو پھر اس کا انجام بھی معلوم ہوگا، وہ میرا بازو تھا، دیار باقر سے یہاں تک وفاداری سے میری خدمت کرتا رہا، اس نے میری خاطر جان قربان کر دی۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم اس کی جگہ لے سکتے ہو، اپنی جان سے بڑھ کر میری حفاظت کر سکتے ہو؟ میری جان آپ پر فدا ہے۔ اعلی، عزیز آغا عجم دیار میں ایک بہادر جنگجو تھا، انشاءاللہ تم بھی اپنے نام کی طرح بہادر ہوگے، کیونکہ میں بھی اپنے پاس اس جیسے طاقتور، بے خوف اور سب سے عام وفادار جنگجو رکھنا چاہتا ہوں۔ کوئی بھی رکاوٹ میری آپ سے وفاداری کے درمیان حائل نہیں ہوگی پاشا محترم۔ رستم پاشا کی حالت آپ دیکھتے، وہ اپنے ہی سائے سے خوف زدہ ہو رہا تھا۔ اللہ نے چاہا تو اس کے چنگل سے بہر صورت ضرور نکل آئے گی عظیم سلطنت۔ آمین۔ وہاں پہ چانے والے حادثے کے بعد اس کا اس مقام پر ٹھہرنا مشکل ہے، اس کی برطرفی کافی مفید ثابت ہوگی، لیکن ابھی تو منزل بہت دور ہے لیاغا، اس کے پیچھے کون ہے یہ نہ بھولنا۔ برطرفی بھی آسان نہیں ہوگی رستم کی۔ اب کیا ہوگا پاشا، آپ کا کوئی حکم ہے کیا؟ پہلے آقا کو کوئی فیصلہ کر لینے دو لیاغا، اگر آقا کا فیصلہ ہمارے لیے فائدہ مند رہا تو اس قلعے میں راستہ بن جائے گا اور ہم اس راستے سے قلعے میں داخل ہو جائیں گے۔ علی آغا یہ کام تنہا نہیں کر سکتا، یہ بات بالکل آشکار ہے، اسے یہ حکم کس سے ملا ہے ہمیں یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ پاشا، لشکر میں لاتعداد یعنیچر سپاہی موجود ہیں، ہمارے کام آنے والا کوئی نہ کوئی ضرور نکل آئے گا۔ ایسا ہے تو ثابت کرو اپنی مہارت۔ با ادب، مہرما سلطان تشریف لا رہی ہیں۔ شہزادی رستم، اب تم جا سکتے ہو آقا۔ کون تھا یہ؟ عزیز آغا کی جگہ مامور کیا ہے، آج کے بعد یہ ہماری حفاظت کے لیے ساتھ رہے گا۔ آخر کس بات کی اتنی پریشانی ہے آپ کو؟ کیا آپ کو اپنی جان کا خطرہ لاحق ہے؟ میں صرف تدبیر سے کام لے رہا ہوں۔ آپ کیسی ہیں؟ ہمیشہ کہاں ہے؟ کئی روز سے آپ بہت سہمے ہوئے لگ رہے ہیں، کھانے پینے کا ہوش نہیں رہا، شب میں بھیانک خواب دیکھتے اٹھ جاتے ہیں، محل میں سینکڑوں سپاہی موجود ہیں، میں باغیچے میں بھی نہیں جا سکتی۔ رستم کیا بات ہے، مجھ سے چھپا رہے ہیں آپ کچھ؟ میری جان لینا چاہتے ہیں مہرما۔ کیا مطلب؟ کون یہ جرت کر سکتا ہے؟ میرے دشمن ہر ایک جگہ میری جان لینے کے لیے گھات لگائے بیٹھے ہیں، کہیں وہ اپنے عزائم میں کامیاب نہ ہو جائیں۔ نہیں، یہ ممکن نہیں، والدہ یہ نہیں ہونے دیں گی، کبھی بھی ان کے ہوتے ایسا نہیں ہو سکتا۔ کاش مجھے بھی آپ کی طرح یقین ہوتا۔ تلوار زنی میں جو تمہیں مہارت ہے وہ تیر اندازی میں نہیں۔ شہزادے، تیر اندازی میری اتنی بھی بری نہیں، کل رات ٹھیک سے سونا سکے شاید اسی وجہ سے۔ کیوں نیند اڑ گئی تمہاری؟ لگتا ہے وہی دل والا مسئلہ تھا شاید۔ تم نے کہا تھا میں چلی بھی گئی تو میرا دل یہی رہے گا، امیر البحر پاشا کی کوئی خبر ہے؟ مکتوب بھیجا ہے، بابا بھی آپ کی طرح میرے یہاں قیام کو مناسب نہیں سمجھتے،
वो मेरे हम ख्याल है, लेकिन फैसला मुझ पर छोड़ दिया है और मैं फैसला कर चुकी हूँ। इसका सबब भी आप पर वाजे कर चुकी हूँ मैं, और आप भी समझ गए हैं। ठीक कहा ना शहजादे? दस्तरखान में किसी किस्म की कमी नहीं होनी चाहिए फिदान। सब मेहमान अमस्या के सरबरा और मशहूर शख्सियात हैं। मैं उन सबको फलाही इदारे में शामिल करना चाहती हूँ। आप खातिर जमा रखिए, तैयारियों पर मैं बजाते खुद तवज्जो दे रही हूँ। मेहरुन्निसा की निगरानी कर रही हो ना? उन्हें शाही बगीचे में देखा था। काफी दिनों से शहजादे उनसे गुरेज कर रहे हैं, शायद हमें गलत फहमी हो गई है। मैं जो देखना चाहती थी वो देख लिया। मेहरुन्निसा आतिश अफरोज है और शहजादा बारूद है। माज़ल्ला दोनों अगर यकजा हो गए तो जो होगा मालूम ही है। दुश्मन मेरे पिस्तौल पर हमला करने के लिए मौके की तलाश में है, पहली फुर्सत में भेज देना चाहिए उसे। खातून तो जा रही थी मलिका, आपने उसे रोक लिया। मुझे ये सूरत हाल कहाँ मालूम थी फिदान? वैसे भी वो ज्यादा दूर नहीं जा रही थी, यही नजदीक गाँव में हवेली बना रही है, वहाँ उस पर नजर रखना भी मुश्किल होता। कम अज कम जाने तक यहाँ है तो निगरानी भी होती रहेगी उसकी। मेहरुन्निसा खातून, कैसे आए अब्दुल्ला, कोई खबर है क्या? दाऊद को इस्तांबुल जाने की जरूरत है, खिजर खैरुद्दीन पाशा को अगर मकतूब लिख देंगी तो जाने के लिए वसीला बन जाएगा। समझ गई, मगर असल मसला क्या है? कुछ चीजों की मालूमात लेने की जरूरत है, शेखुल इस्लाम फनरीजादे मुहियुद्दीन साहब के मुतालिक। किस किस्म के मसाइल हैं? रुस्तम पाशा उन्हें परेशान कर रहे हैं, उनको मकाम से हटाना चाहते हैं। इसकी इजाजत नहीं दे सकते, उस मकाम की बहुत अहमियत है। फिलहाल तो रुस्तम पाशा को अपनी फिक्र लाहक है, शेखुल इस्लाम पर हमले के मुतालिक सोच भी नहीं सकता वो। हाँ, लेकिन हमें तदबीर हरगिज नहीं छोड़नी चाहिए। और हाँ, शहजादे के हमरा देखा कुछ देर पहले आपको, कोई परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह। नहीं, क्यों पूछ रहे हो? शायद मेरे भी इल्म में लाने के लिए कोई बात हो ये सोच रहा था। अगर होती तो बता देती, क्यों सही कहा ना? जी बिल्कुल। हाँ। अफीफा खातून, हुक्म करें शहजादी। बावर्ची खाने में खबर भिजवाइए, मिठाई तकसीम की जाए, शरबत भी बांटा जाए कनीजों में, और इसके अलावा अशरफिया भी तकसीम की जाए। खैरियत होगी मुझे उम्मीद है शहजादी। जी हाँ अफीफा खातून, खैरियत है, आका की मंजूर नजर कनीज। नाजनीन खातून उम्मीद से है, इंशाल्लाह एक शहजादा होगा। मलिका, आपको इससे फायदा होगा। मलिका, मलिका वो फातिमा सुल्तान नाजनीन खातून के उम्मीद से होने का सरेआम ऐलान करती फिर रही हैं। नाजनीन के? जी हाँ, यही नाम रखा है उस मलून का, नाजनीन। मुसलमान भी हो चुकी है वो। अच्छा, तो जब ये सब हो रहा था उस वक्त तुम दोनों कहाँ थे? हाँ, और फारिया खातून तुमने तो तदबीर कर ली थी ना, फिर खातून उम्मीद से कैसे हो गई? मैं कसम खाती हूँ तदबीर की गई थी मलिका। तो फिर आखिर वो उम्मीद से कैसे हो गई? कहीं दरोग से तो काम नहीं ले रही? इसके सिवा और क्या हो सका है? सिर्फ मेरी जान जलाने की खातिर ये सब कुछ किया जा रहा है। मलिका, अफसोस के साथ वो सच कह रहे हैं, फातिमा सुल्तान कई बार भेज चुकी है खातून को आका के पास। ये क्या कह रहे हो सुम्बुल आगा, ये मुमकिन नहीं है। अगर ऐसा होता तो लुकमान आगा जरूर खबर करते। लुकमान? उसको तो दुनिया की खबर नहीं, फौरन उसे बरतरफ कर देना चाहिए। मलिका बताइए, अब हम क्या करेंगे? हमें उससे जान छुड़ानी होगी।
हम कैसे जान छुड़ाएंगे उससे मलिका? आप तो जानती हैं वो आका के लिए खास अहमियत रखती है। बेगुनाह मासूम है। उससे नहीं, फातिमा सुल्तान से जान छुड़ानी होगी हमें। उसे नसीहत की थी लेकिन मेरी नहीं सुनी। उसे उसकी जबान में समझाना होगा हमें। चार सम खबर करवा दीजिए अफीफा खातून, आखिरकार कई बरसों के बाद आका के यहाँ औलाद होने वाली। सारा जहाँ सुन ले ये खुशी की खबर। उसूल जो भी है उन पर जरूर अमल दरामद किया जाएगा। कयामत आ जाएगी एक बार फिर। मैंने उसे खुशी की खबर सुना दी, आपने उसका चेहरा नहीं देखा, सदमे से जैसे वो मर गई है। अल्लाह हिफाजत करे। हिफाजत से मुझे याद आया कि मोहतात रहे अफीफा खातून, आगाओं को भी नसीहत कर दे इस लड़की को कोई जरर ना पहुंचने पाए, वरना जवाब दे आप होंगी, याद रखिएगा इस बात को। बेनेडिक्ट की शादियां बहुत दिलचस्प होती हैं। हर कोई रंग बिरंगे मलबूसात पहनता है, अच्छी तरह बनता संवरता है, बिल्कुल दुल्हन की तरह। और क्या बताऊं, क्या क्या होता है वहां? हाँ, रक्स, रात भर रक्स करते हैं मर्द और खवातीन मिलकर इस तरह से। क्या मर्द भी रक्स करते हैं वहां पर? हाँ, लेकिन यहाँ की तरह नहीं। आइए मैं दिखाती हूँ आपको। आइए। आका, सूरत हाल खराब है। क्या हो गया? महल आने वाली औरत ने जो कहा कर दिखाया, शहजादे की शिकायत कर दी है काजी से। आखिर तुम ये क्या कह रहे हो? कौन सी खातून, कैसी शिकायत? बाजार में जाँ भाग होने वाली दुकानदार की बीवी आका, जिसे आपने निकाल दिया था। क्या समझती है खुद को वो? कैसे शिकायत कर सकती है शहजादे की? किसकी बात कर रहे हैं आका? कहीं नूरबानो ने कोई गुस्ताखी कर दी क्या? आका, आपके हुक्म के मुताबिक तहकीकात मुकम्मल कर ली है, जलाल जादे के साथ मिलकर पूछगछ कर ली है एक एक से। सबके बयान से सिर्फ एक ही बात साबित होती है, तुम खुद क्या राय रखते हो? रुस्तम पाशा की ज्यादती इस वाकये में आश्कार है, लेकिन उनकी कोई बुरी नीयत होगी मैं नहीं समझता। लेकिन उन्हें वजीर आजम बने भी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, ना तजर्बेकार है। अगर कुछ और नहीं कहना तो तुम जा सकते हो। आका, आवाम और यनीचरों में शदीद बेचैनी मौजूद है, रुस्तम पाशा के खिलाफ उनका रवैया जारहाना है, उन्हें किसी तरह पुरसुकून रखना होगा। माज़ल्ला, अगर संगीन हादसा पेश आ गया तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। लड़कियों, ये मिठाई सबके लिए है। शहजादी। खैरियत तो है खातून, किसके हुक्म से तकसीम हो रही है मिठाई? फातिमा सुल्तान ने हुक्म दिया है, आका की मंजूर नजर उम्मीद से है। मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा
یعنی آپ کامیاب ہو گئیں؟ آقا نے کیا رد عمل ظاہر کیا صورتحال پر؟ وہ تو بے حد مسرور ہوئے تھے گلفام، کچھ بھی ہو جائے والد بننے کی خوشی دنیا میں سب سے حسین ہوتی ہے۔ ویسے شکریہ تو حرم کا کرنا چاہیے ہمیں، حرم کو اس نے بنجر نہیں رہنے دیا، اسی کی وجہ سے آقا خود کو بے حد جوان محسوس کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ جیسا آپ نے کہا ویسے ہی ہوگا، لیکن محتاط رہنا ہوگا شہزادی، حرم ہے یہ، کسی بھی طرح یہ سب رکوانے کی کوشش کرے گی وہ۔ حرم کا نام سنتے ہی تم گھبرا سے جاتی ہو، اس سے اتنا ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ شہزادی اجازت دیجیے، میں کچھ دیر کے لیے پائیں باغ جانا چاہتی ہوں، وہاں کچھ دیر ٹہلوں گی میں۔ ضرور جاؤ بیٹا، میں تمہاری عمر میں ہرگز تردد سے کام نہیں لیتی تھی، بے چینی اور بے قراری اتنی تھی کہ محل میں رہنا مشکل تھا میرا۔ ماشاءاللہ آپ اب تک جوان حسین ہیں شہزادی۔ والدہ کیا یہ سچ ہے کہ واقعی وہ خاتون امید سے ہے؟ یوں لگتا ہے جنگل کی آگ کی طرح خبر پھیل گئی، کوئی بھی بے خبر نہیں رہا اس بات سے۔ نہیں، میں تو رستم کی وجہ سے آئی تھی، سہن میں کنیزوں سے سنا میں نے۔ رستم کو کیا ہوا ہے؟ یہ نیچروں سے بدمستی کی ابھی خبر ملی مجھے، ہر بات مجھے آخر میں ہی کیوں معلوم ہوتی ہے؟ تمہاری حفاظت کی پیش نظر مہرما۔ مجھے حفاظت کی ضرورت نہیں ہے والدہ، رستم کو ہے، وہ کافی پریشان ہے، اسے کسی پر بھروسہ نہیں رہا۔ بابا سے بات ہوئی کیا آپ کی؟ وہ کیا فیصلہ کریں گے؟ تحقیقات جاری ہیں اس واقعے کی، تم اطمینان رکھو، انشاءاللہ کچھ برا نہیں ہوگا۔ میں کیسے اطمینان سے رہ سکتی ہوں جبکہ میرے شوہر کی جان لینا چاہتے ہیں کچھ لوگ؟ لگتا ہے اس کی حفاظت کے اقدامات کافی نہیں رہے، اب مجھے خود ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ تم پہلے تو اس شادی کی وجہ سے میرے بھی خلاف ہو گئی تھی، اور اب اپنا حال دیکھو کہ تم اس کے لیے تڑپ رہی ہو۔ تم اس سے محبت کرنے لگو کہ میں نے کہا تھا؟ مسئلہ محبت کا نہیں، رستم میرا شوہر ہے، اس جہاں کے بادشاہ سلطان سلمان خان کی اکلوتی دختر کا شوہر۔ رستم کا وقار میرا وقار ہے۔ تم خاطر جمع رکھو، رستم جب تک ہمارا وفادار رہے گا اس وقت تک اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچ سکتا، میں کبھی ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ اس کی وفاداری پر آپ کو شک ہے؟ تم خود مشاہدہ کر لو مہرما، چاروں جانب سے ہم پر حملے جاری ہیں، ہمیں دشمنوں سے جو خطرہ ہے وہ تو اپنی جگہ، لیکن رب سے دعا ہے کہ دوستوں سے محفوظ رکھے۔ کیا ریاست پہنچ گئے ہیں کتایا؟ راستے میں قیام نہ کیا ہو تو پہنچ گیا ہوگا۔ تمہارا ساس کیسا ہے؟ اس سے مطمئن ہو تم؟ ہاں میں مطمئن ہوں، کہو تو تمہارے لیے بچاؤں۔ مجھے خوشی ہوگی، میرے پاس دراصل ایک دوسرا ساس بھی ہے، اسے لے کر نہیں آئی، اسے بچانے سے بھی ڈرتی ہوں کیونکہ وہ بابا کا ساس ہے۔ ریاست کے جانے کے بعد محل سونا ہو گیا ہے نا، اگر تم بھی نہیں ہوتی تو میں تنہا ہو جاتا۔ ہاں لیکن اتنا سونا پن بھی نہیں ہے، حرم میں جشن منایا جائے گا۔ کیوں، کیا ہوا؟ تمہیں خبر نہیں ہے کیا؟ نہیں۔ آقا کی منظور نظر امید سے ہے، تمہارا ایک برادر اور آئے گا۔ جہانگیر کیا ہوا، تمہیں خوشی نہیں ہوئی کیا؟ میں بس حیران ہوں۔ آقا کو میری آمد کی خبر دیں۔ بادشاہ محترم، معذرت چاہتا ہوں، میں خاتون دو چار مرتبہ جا چکی ہیں، میں بھی حیران و پریشان ہوں، لگتا ہے میری غیر موجودگی میں اسے بھیجا گیا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو لقمان آقا، کون ہے وہ خاتون؟ آقا سے امید سے ہونے والی خاتون کا کہہ رہا ہوں بادشاہ، آپ کو اس کی خبر نہیں ہے کیا؟
وزیر اعظم محترم، آقا آرام فرما رہے ہیں، بعد میں آنے کا حکم دیا ہے۔ جان فدا خاتون، خوش آمدید خاتون، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ جلدی ہمارا حمام تیار کراؤ، ہم تھک گئے ہیں بہت۔ کیا ہوا، جو چیز منگوائی تھی وہ آ گئی ہے کیا؟ نہیں آ سکتی وہ چیز، ممکن نہیں اسے لانا۔ تم مدد نہیں کرنا چاہتی تو بتا دو، میں کوئی نہ کوئی حل نکال لوں گی۔ اوہو، یہ بات نہیں ہے، آغا سے پوچھا تھا، بہت اخراجات ہوں گے اسے لانے میں، کیا ضرورت ہے؟ اخراجات؟ بہت اشرفیاں خرچ ہوں گی، کہہ رہی ہوں میں۔ ہاں نہیں تو میرے پاس ہے اشرفیاں، شہزادی نے مجھے بہت سی اشرفیاں دی ہیں اور حرم سلطان نے بھی دی تھی۔ تم اس چیز کو رہنے دو، شہزادی پہلے ہی ایک بڑی مصیبت میں مبتلا ہیں۔ شہزادے محترم، لالا تک خبر پہنچا دی ہے کیا؟ جی پہنچا دی ہے شہزادے، دیوان میں لوگ آپ کی تشریف آوری کے منتظر ہیں۔ لالا، پانی کا مسئلہ فوراً حل کرنا ہوگا، عوام مشکل سے دوچار ہیں۔ شہزادے، آپ کو بتانے کے لیے ایک اور اہم مسئلہ ہے۔ تم مجھے کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہو، کچھ ہوا ہے کیا؟ مجھے بازار تک جانا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو، محل کے کام کے سلسلے میں، بس یہ بتانا تھا۔ اب بتاؤ، شہزادے کس مصیبت میں مبتلا ہیں؟ بازار میں شہزادے کے محافظوں کی جانب سے جس شخص کو مارا گیا تھا، اس کی بیوی نے قاضی کے پاس شکایت کر دی ہے شہزادے کی۔ شہزادے کو معلوم ہے یہ بات؟ غضنفر آغا خود اس مسئلے کی تحقیق کرنے میں مصروف ہیں، لیکن کچھ نہیں معلوم کیا ہوگا، جرم بہت سنگین ہے۔ لیکن وہ خاتون پہلے یہاں آئی تھی، ہمارے لوگوں نے اسے ڈانٹ کر بھگا دیا۔ یہ تو بہت برا ہوا، ابھی تو شہزادے سب کچھ فراموش کرنے لگے تھے، انہیں یہ بات قطعاً معلوم نہیں ہونی چاہیے۔ معلوم ہو جائے گی، خاتون نے شکایت کر دی ہے، آج نہیں تو کل شہزادے کو یہ بات یقیناً معلوم ہو جائے گی۔ نہیں معلوم ہوگی، غضنفر سے کہو اس سے بات کرنا چاہتی ہوں میں۔ با ادب، شہزادے بیعزت محترم تشریف لا رہے ہیں۔ اور ہاں، میرا بہادر بیٹا، تم سب کو بہت یاد کیا میں نے۔ خوش آمدید شہزادے، خدا کا شکر ہے کہ آپ آ گئے، حسرت ہو گئی تھی آپ کی۔ شکریہ ریحانہ۔ عثمان، تم کتنے بڑے ہو گئے ہو؟ یہ ضرور بڑا ہوگا، آپ کی طرح بہادر شہزادہ بنے گا انشاءاللہ۔ آمین۔ تم کیسی ہو ریحانہ؟ خوش و خرم ہو؟ آپ کی سلامتی کے لیے دعا کروں۔ کافی تھک گیا ہوں، کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ شہزادے آئے۔ لالا، پایتخت جاتے وقت آپ بہت مختلف تھے، لیکن دیکھ رہا ہوں کہ واپس آ کر آپ اس سے بھی مختلف لگ رہے ہیں۔ درست، جاتے ہوئے ایک امید تھی، آقا نے سلیم کو منتخب کر لیا تو وہ بھی ختم ہو گئی۔ وہ خبر مجھے مل چکی ہے شہزادے، اس دن کے بعد سے میری نیندیں حرام ہو گئی ہیں۔ آقا آخر کیسے اس طرح کا فیصلہ کر سکتے ہیں، میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا، اور وہ بھی حرم سلطان کے ہوتے ہوئے، اور مہرمہ سلطان، رستم پاشا۔ مہرمہ اور رستم نے پوری کوشش کی ہوگی، مجھے یقین ہے، لیکن میں والدہ کے لیے یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ کیا انہوں نے کچھ کہا تھا؟
یعنی شہزاد سلیم کے انتخاب کے متعلق؟ نہیں، یہ فیصلہ صرف اور صرف آقا نے کیا ہے. اچھا، تو پھر اس کا مطلب ابھی ایک امید باقی ہے شہزادی. کیسے امید لالا مصطفیٰ؟ سلیم منیسا میں ہے اور میں کتھایا میں ہوں. ایک زمانے میں شہزادہ مصطفیٰ محترم بھی منیسا میں تھے، لیکن ان کا انجام سامنے ہے. وہ امسیا میں اب تک سزا بھگت رہے. آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ اہم یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے وہ میں جاننا چاہتا ہوں شہزادے. آپ کی خواہش کیا ہے؟ کچھ دیر پہلے میں نے جو کہا ہے لالا، سلیم کو منیسا سے نکلوانا چاہتا ہوں، کیونکہ اسے وہاں رہنے کا کوئی حق نہیں، یہ بات سب جانتے ہیں. فوراً نہایت باعتماد لوگ جمع کریں، وہ منیسا جائیں گے اور وہاں کی ہر بات مجھے بتائیں گے. دیکھوں تو برادر سلیم منیسا میں کیا کر رہا ہے. شہزادے سے یہ بات چھپائی نہیں جا سکتی کیا؟ اگر تم ان کی جگہ چلے جاؤ تو مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. یہ ممکن نہیں ہے، لازمن انہیں معلوم ہوگا، اور صرف شہزادے کو ہی نہیں، اس حادثے کے متعلق پایا تخت والوں کو بھی معلوم ہوگا. میں بھی اسی وجہ سے کہہ رہی ہوں، شہزادے کے مستقبل کے لیے ہم اس بات کو چھپانے پر مجبور ہیں. شہزادے کے خلاف گواہی دینے کی یہ جرات کون کرے گا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، اسے خاموش نہیں کر سکتے. وہ بہت لوگ ہیں، کس کس کو خاموش کریں گے؟ اور اگر خاموش کروایا تو مزید برا ہوگا، سب کچھ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. بادشاہ بھی قاضی پر اپنا حکم صادر نہیں کر سکتے. تو کیا ہم ہاتھ پر ہاتھ لگے بیٹھے رہیں گے؟ کوئی چارہ نہیں ہے میرے اللہ، ہمیں کوئی اور راستہ بھی تو سجائی نہیں دے رہا. اب ہمیں بات کرنی ہوگی اس مرنے والے کی بیوی سے، وہ شکایت واپس لے لے. کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ فائدہ ہوگا یہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن فاطمہ سلطان کے متعلق بہت عام بات معلوم ہوئی ہے جسے آپ لازمن سننا چاہیں گی. ہاں بتاؤ. آپ تو جانتی ہیں کہ وہ اپنے شوہر سے طلاق لینے کے بعد یہاں آئی ہیں، لیکن اس کا سبب جیسا انہوں نے بتایا کہ پاشا نے بے وفائی کی، تو ایسا ہرگز نہیں تھا. گستاخی کی معذرت. استغفر اللہ. لیکن فاطمہ سلطان بے وفا ہے یہ پتہ چلا ہے. کیا تمہیں یقین ہے؟ مجھے کوئی شک نہیں ہے ملکہ، لقمان آغا نے آپ کی شدید برہمی کے بعد فاطمہ سلطان کی کنیز ملک خاتون کو پکڑ لیا تھا. تمہاری وجہ سے میرا سر قلم ہو جائے گا خاتون، تم نے مجھے جان بوجھ کر الجھایا، کیسے رحم کروں تم پر؟ ٹھہرو، تم مجھے چاہو گے میں کروں گی جو بھی چاہوں. فاطمہ سلطان کے بارے میں مجھے بتاؤ، یقیناً کوئی نہ کوئی بات ضرور پوشیدہ ہوگی، جو ہے نا؟ یہ سن کر مجھے حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ فاطمہ سلطان سے مجھے یہی امید تھی. ملکہ اب آپ کیا کریں گی؟ آپ تو جانتی ہیں کہ حرم میں افواہ پھیلانا بہت آسان ہے، ذرا سے اشارے سے اللہ سب کو بچائے، ہر کسی کو معلوم ہو جائے گا. اجلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے سنبل، جب میں چاہوں گی لوگ تبھی جانیں گے. کیسے آنا ہو مہرما؟ میری پیاری بیٹی بتاؤ کیا بات ہے؟ دراصل رستم پاشا کو بھی آنا تھا،
लेकिन वो शब को देर तक अमूर सल्तनत में मसरूफ रहे। बाबा, गनीचर वाले वाकये के मुतालिक आपने कोई फैसला कर लिया क्या? रुस्तम आपका वफादार गुलाम है, मैं खुद इसकी गवाह हूँ। उसके मुतालिक कहे गए झूठ और इल्जामात पर आप एतबार मत कीजिएगा। तुम्हें काफी उदास देख रहा हूँ, खुद को ऐसी बेमानी बातों से दुखी ना किया करो। बा अदब, मलिका हुरम सुल्तान तशरीफ ला रही है। शहजादी हुरम, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। क्या वाकई खैरियत होगी? इंशाल्लाह। इससे बढ़कर खैरियत क्या होगी? खानदान वुसत अख्तियार कर रहा है माशाल्लाह। मिठाई बहुत ही लजीज थी, लेकिन तुम्हारे बगैर मुझसे खाई नहीं गई। वाकई आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। अब आपकी बारी है, खुदा ने चाहा तो आपको भी औलाद नसीब होगी, उसकी मिठाई भी खाएंगे। शुक्र है हुरम, मेरी सूरत हाल हरगिज तुम्हारी जैसी नहीं है। जब मैं शादी करूंगी औलाद हो जाएगी। तो फिर शहजादी, आपको दूसरी शादी करने का मशवरा दूंगी, क्योंकि वक्त बेरहम है, अचानक गुजर जाते हैं या जवानी के दिन पता भी नहीं चलता। मैं किसी हाल में शिकायत नहीं करती, दूसरी शादी नहीं हुई तो क्या हुआ? मैं फिर आपका के पैदा होने वाले शहजादे को गोद ले लूंगी और उसकी तरबियत करूंगी। शहजादे को कैसे मालूम कि वो लड़का होगा? मेरी हिस बहुत तेज है इस मामले में। खातून का दिल अगर मुस्तकिल मीठा खाने को चाहे तो फिर तुम जानती, मिठाई मांगे तो लड़का, खट्टा मांगे तो लड़की। खैर से हो, आमीन। शहजादे, क्यों खड़े हो तुम सब? मौसीकी बजाई जाए, रकासाओं को लाया जाए, आज जश्न नहीं मनाएंगे तो फिर कब मनाएंगे? माजरत चाहते हैं, मैंने आपको परेशान कर दिया। हरगिज। आओ। आका, हुरम सुल्तान तशरीफ लाई हैं। आने दो। खुशामदीद, मैं अपनी दुख्तर से बातें कर रहा था। अगर कोई खसूसी गुफ्तगु है तो मैं बाद में आ जाऊंगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आका, इजाजत दीजिए, हम आशा मेरी मुंतजर होगी। इजाजत है तुम्हें दुख्तर। आओ बैठो मेरे पास। हुरम, कैसी हो तुम? मैं ठीक नहीं हूं सुलेमान, यानी तिफल वाले मसले की वजह से। हुरम, इस मौजू पर मैं अपने जज्बात हरगिज नहीं छुपाऊंगी। मेरा दिल जल गया है, क्योंकि आपको दूसरी खातून के हवाले कर दिया, लेकिन यह नहीं सोचा था उस वक्त कि तिफल भी हो सकता है।
इस हकीकत को कबूल करना मेरे लिए मुश्किल है बहुत। मैं ऐसी ही हूं, हर किसी की एक अलग फितरत होती है। मेरे प्यारे हुरम, मुझे साया जुल्फे यार से कौन जुदा करेगा। मैंने तो जुल्फे यार की खातिर दिल को तार तार और किरबान को चाक कर लिया है। सूरज की सबसे हसीन किरण की खातिर हमेशा अश्क बहाता हूँ और आहें भरता हूँ। बादल भी मेरी हालत पर आप दीदा है, मेरा हाल जानना चाहते हैं। मोहित भी अपना हाल क्या बताए, क्योंकि हिजरे यार ने मुझे उनकी साये जुल्फ से दूर जो कर दिया, मेरे दिल को नचूर कर दिया। जहां क्या कर रही हो तुम यहां? कुछ नहीं, किताब पढ़ रही हूं। दो जरा देखूं। महल की किताबें पढ़ते हुए कभी भी किसी के हाथ काले नहीं होते। बेयाजत को मोहब्बत भरा मकतूब लिख रही थी। मैं खुद को हरगिज रोक ना सकी। तो फिर मुझे ही रोकना होगा, वरना तुम मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दोगी। मैंने तुमसे क्या कहा था? सब्र करो, रहने दो, पहला मकतूब उसे तुम्हें लिखने दो। उसने नहीं लिखा। फिर बेयाजत और तुम्हारे लिए वक्त मुख्तलिफ अंदाज से गुजर रहा है। तुम इस वक्त चार दीवारी के दरमियान रहकर सिर्फ उसी के बारे में सोच रही हो जहां, जबकि वो एक शहजादा है, उमूर सल्तनत में मसरूफ होगा। तुम सब्र करोगी, इंतजार करोगी, तो सबसे पहला मकतूब वो तुम्हें ही लिखेगा, या शायद सामने ही आ जाए। पाशा मोहतरम, माजर चाहता हूँ, बेआराम कर रहा हूँ, मगर लुकमान आका आए थे कुछ देर पहले, आका ने आपको तलब फरमाया है। वालिदा, बाबा ने रुस्तम को अपने पास बुलवाया है, लगता है कोई फैसला सुनाया जाएगा। क्या आपने उनसे कोई बात की? परेशान मत हो महरमा, जो दुरुस्त होगा आका वही करेंगे इंशाल्लाह। मैं खौफजदा हूँ बहुत, रुस्तम के खिलाफ साजिश की गई है, वो बेकसूर है। यनीचरों के साथ होने वाली उस दिन की झड़प के मुतालिक मुझे हर बात मालूम हो गई है रुस्तम पाशा। साबित हो गया कि तुम खता के मुर्तकिब हुए। आका, तुम मेरे वकीले मुतलक हो, जहां भी जाते हो मेरी नुमाइंदगी करते हो, खास तौर पर हमारी सिपा और अवाम के रूबरू। क्या तुम्हें बख्शा हुआ ये मकाम और ताकत काफी नहीं कि तुम तलवार की जबान में गुफ्तगू करने लगे हो? हरगिज नहीं आका,
بلکہ میں تو اس عظیم مقام کے تقدس کا پاسدار ہوں. کیا تقدس کی پاسداری غرور اور تکبر سے ہوتی ہے رستم پاشا؟ یاد رکھو اللہ غرور کو پسند نہیں کرتا، عوام بھی نہیں کرتے. حضرت علی نے فرمایا ہے کہ انسانوں کے ساتھ ایسا رویہ رکھو کہ تمہارے مرنے کے بعد لوگ تمہارے لیے روئیں، اور اگر تم زندہ رہو تو وہ تم پر اپنی محبت نچھاور کریں. معذرت آقا، رستم آپ کا غلام آج کے بعد آپ کی نصیحت قطعاً فراموش نہیں کرے گا. یہی سب کے لیے بہتر ہوگا، خاص طور پر تمہارے لیے رستم پاشا. اب آتے ہیں اصل مسئلے اور اس کے فیصلے. فاطمہ سلطان کی جانب سے کئی روز سے کوئی خبر نہیں آئی، شاید اپنے کام میں بہت مصروف ہوں گی، حرم کی جڑیں کاٹ رہی ہوں گی. ان کے شوہر سے علیحدگی فائدہ مند ثابت ہوئی، دراصل وہ خود بھی خوش نہیں تھی اپنے شوہر سے. کیا کہہ سکتے ہیں، انشاءاللہ مجھ سے کیا وعدہ پورا کریں گی. ضرور پورا کریں گی وہ. اور ہاں، تمہارے علم میں لانے کے لیے ایک ضروری مسئلہ ہے. مہر النساء کے لیے رشتہ آیا ہے. کیسا رشتہ، کون ہے وہ؟ آمسیا کے تاجروں میں سے، پاشا خاندان کا فرد ہے وہ، اس کا مستقبل روشن ہے. مہر النساء کے حسن سے وہ بہت متاثر ہوا ہے، رشتہ بھیجا ہے اپنی والدہ کے ذریعے. رشتہ کرنے کا ہمیں کوئی اختیار نہیں والدہ، اگر وہ طلبگار ہے تو امیر البحر پاشا سے بات کریں، ہم سے نہیں. اجازت دیں، تشریف علی انتظار کر رہا ہے میرا. اگر کوئی اور مسئلہ نہیں ہے تو میں محل واپس جا رہی ہوں. اصل میں ایک مسئلہ اور بھی ہے، جب داؤد پایا تخت چاہ ہی رہا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ کیوں نہیں چلی جاتی؟ ان کا جانا اچھا ثابت ہوگا، طویل سفر اکیلے طے کرنا نہیں چاہتا. اجنبی لہجے میں بات مت کرو عبداللہ، حویلی میری تیار ہے، میں یہیں پر رہوں گی. اعتراض نہ ہو تو یہاں رہنے کا سبب جان سکتا ہوں؟ کیونکہ آپ کی زندگی تو سمندر پر گزری ہے، اس لیے آمسیا ایک جہنم ہونا چاہیے آپ کے لیے. تم صرف شہزادے کی حفاظت کرو، جن معاملات سے واسطہ نہیں ان میں دخل مت دو. مہر النساء خاتون، آپ کے بابا نے آپ کو میری امانت میں دیا ہے، آپ کی سلامتی کے لیے احتیاطی تدابیر کرنے کا اختیار ہے میرے پاس. اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیا تم مجھے پایا تخت زبردستی بھجوا گے؟ ہرگز نہیں. اگر آپ یہاں رہنے کا فیصلہ کر چکی ہیں تو آئندہ آپ اپنے ہر اقدام سے مجھے آگاہ کرتی رہیں گی، یہ آپ کے لیے اور شہزادے کی حفاظت کے لیے میری شرط ہے. کیا صورت حال ہے رستم پاشا؟ آقا نے کیا فیصلہ سنایا؟ مجھے ضلع وطن کر دیا ہے. ضلع وطن؟ آقا نے ہفتے بھر میں ہر سکھ ہرجی کو وینا ریاست جانے کا حکم فرمایا ہے، اب سرحدوں پر ہی ملاقات ہوگی ہماری. ایسا لگتا ہے کہ مجھے کچھ عرصے کے لیے دور بھیجنے میں انہیں فائدہ نظر آ رہا ہے. والدہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آقا کیسے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں؟ شکر کرنا چاہیے تمہیں، اس سے زیادہ بھی برا ہو سکتا تھا. ہماری شکست ہے ملکہ، دشمنوں نے جو چاہا تھا وہ حاصل کر لیا. آپ تو جانتی ہیں میرے وقار کو پیروں تلے روننا چاہتے تھے، مجھے صرف ایک یونیچر آغا کی وجہ سے جلا وطن کر دیا گیا ہے. یہ سن کر ان کے حوصلے مزید بلند ہو جائیں گے. ہر کام میں کوئی خیر ہوتی ہے رستم، بلکہ اس حادثے سے تو سبق لینا چاہیے تمہیں. آج کی بات تم خوف سے جان چھڑا کر عقل استعمال کرو گے اپنی. میں خوف زدہ تھا، یہ درست ہے،
लेकिन मरने से नहीं बल्कि किसी को खो देने से, खास तौर पर महरमा सुल्तान और अपनी बेटी हुमाशा को। मुझे अब इजाजत दें। बाबा को मकतूब तहरीर किया है, वो देने के लिए आई थी शहजादे। आगाओं के होते हुए तुम क्यों आई? मैंने गुजारिश की थी शहजादे, खिजर खैरुद्दीन पाशा को भेजा जाने वाला मकतूब अहम है, ताकुब करेंगे शहजादे, खुफिया रखने में फायदा है। क्या शहजादे से भी खुफिया? हरगिज नहीं, अभी आपके पास आकर मैं खुद खबर देती। दाऊद चाउश, इसे आप खुद पढ़ लीजिए। आपका भरोसा खोने से पहले मैं अपनी जान खोने पर तैयार हूँ शहजादे। जरूरत नहीं, तुम में से कौन जाएगा पाया तख्त? इजाजत हो तो मैं जाऊंगा शहजादे। अमीरुल बहर पाशा से कहें कि मेहरुन्निसा के लिए परेशान ना हो, क्योंकि ये जब तक यहाँ है इसकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। आपका जो हुक्म शहजादे। अगर जा रहे हो तो रुस्तम पाशा के बारे में भी मालूमात लेना जरूरी होगा। इंशाल्लाह उसे किए की सजा मिल गई होगी। साथ साथ ने मेरे खिलाफ बाकायदा मुहिम शुरू करती है पाशा मोहतरम। उलमाओं को वो मेरे खिलाफ भड़काने में मसरूफ है। इसका सबब मैं हूँ अबू सऊद साहब, वो मेरे दोस्तों से दुश्मनी और दुश्मनों से दोस्ती कर रहे हैं। आपने देख ही लिया मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर किस तरह से हमला किया गया। इन बातों पर कान न ठहरे, बिल्कुल तवज्जो मत दें आप, क्योंकि आप सल्तनत आलिया के और आका के बेहद वफादार और नहायत बेशकीमत पाशा हैं। उन्हें खामोश करने का एक ही रास्ता है और वो है आपका ईमानदारी से खिदमत बचा लाना। आप जैसे अजीम और नामवर आलिम की दोस्ती मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती है अबू सऊद साहब, वो खिदमत हम सब मिलकर अंजाम देंगे इंशाल्लाह। मैं अनकरीब जा रहा हूँ, मेरी गैर मौजूदगी में क्या होगा अल्लाह ही जानता है। आप लोगों की हिफाजत के लिए मैं खुसूसी तदबीर कर दूंगा। इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है पाशा मोहतरम, क्योंकि रब के रास्ते पर चलने वालों के लिए उसकी मोहब्बत के सिवा कोई और ढाल नहीं हो सकती। कजन फरागा खातून से बात करने गए? हाँ चले गए, हल करके लौटेंगे मुझे उम्मीद है। मुझे यकीन है कि इस बार जरूर कामयाब हो जाएंगे, देखना तुम। अल्लाह तुम दोनों की दोस्ती कायम रखे, मैं जब भी देखती हूँ तुम दोनों साथ होती हो। खातून अपने काम से काम रखो, खबर की मुंतजर हूँ। कैसर खातून। आगा आप खामोश रहो, अपनी मौत की प्यासी हो क्या तुम? तुम कौन होती हो ऐसे अजीम शहजादे की काजी से शिकायत करने वाली? मैंने आपसे कहा था लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। हो गया जो होना था, तुम काजी के पास जाओगी और उनसे कहोगी कि शहजादे का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, मुझसे गलती हो गई थी। नहीं जाऊंगी तो क्या होगा? तुम्हें जाना ही होगा, मैंने जो कहा है वही करना होगा तुम्हें, वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। मेरे शोहर की जान लेकर आपको सुकून नहीं मिला? चले जाओ यहाँ से, मुकदमा वापस नहीं लूंगी। खामोश हो जाओ वरना जबान काट दूंगा। क्या ये आपको तंग कर रहा है कैसर खातून? तुम अपना काम करो, चलो जाओ, जान छोड़ो बेचारी खातून की, पहले ही बहुत परेशान है। खैरियत तो है, क्या हो रहा है यहाँ? कौन है ये लोग और यहाँ क्यों आए बताइए मुझे। फातिमा सुल्तान कैसी हैं? माशाल्लाह काफी खुश हैं, लेकिन ज्यादा अरसा खुश नहीं रहेगी। लगता है आपने उनके मुतालिक कुछ सोचा है। वक्त आने पर मालूम हो जाएगा। तुम अफसरदा सी लग रही हो, क्या मसला है? सुबह से तबीयत बोझल सी हो रही है। तबीबा को दिखाया तुमने?
महरमा, 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 क्या हुआ? अल्लाह की रजा से खैर की खबर लाए हो गए। पाशा लश्कर में से एक हसन चाउश है, दरबार में आपके पास आने वाला यनीचर। हाँ याद है, उसे क्या हुआ? वो हमारे इख्तियार में है पाशा। ये तुमने क्या किया? वो अली आगा का आदमी है, सब मुझ पर शक करेंगे। मैं कल रात भेज बदल कर मैखाने गया था, मुझे उसकी खबर दी गई थी, मैं उसे पकड़ कर ले आया, ना कोई निशान छोड़ा और ना ही कोई गवाह। उसने बात की? अब तक नहीं, लेकिन बात करेगा, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। पाशा, गुलबहार तुम्हें क्या हो गया? महरमा सुल्तान पाशा अचानक भी होश हो गई है। फिनेरी जादे के साथ क्या मामलात चल रहे हैं? बर्फ पिघल गई होगी खुदा की रजा से। फलाही इदारों के मसले पर वो मुझ पर काफी बरहम है आका, मेरा ख्याल है कि वो अब मुझसे मिलने की भी रवादार नहीं। सुना है आपसे मुलाकात के लिए आए थे। दुरुस्त है आका, उनके साथ कुछ देर तक गुफ्तगू रही। लगता है उनकी गुफ्तगू से आपको खुशी नहीं हुई। कभी एक दूसरे से नफरत न करें, कभी एक दूसरे के दुश्मन न बने, कभी एक दूसरे से मुंह न फेरें, कभी एक दूसरे से हसद न करें, कभी गीबत न करें। ए अल्लाह के बंदो, भाई बनकर रहो, ये फरमाया है पैगंबर ने। मैंने उन्हें ये सब याद दिलाया था। मुझे उम्मीद है वो हादसा किसी दुश्मनी में नहीं बदलेगा मेरे आका। आप सिरात मुस्तकीम पर चलते रहिए उस्ताद चलेबी, आपसे दुश्मनी करने वाले अपने मुकाबिल मुझे पाएंगे। कैसी तबीयत है तबीबा खातून? जहर तो नहीं दिया गया? नहीं पाशा मोहतरम, ऐसी अलामत नहीं कोई। तो फिर क्या हो गया, क्यों बेहोश हो गई? बुखार हो गया है क्या? मेरे ख्याल में इनके मैदे में तकलीफ हुई थी मलिका, बुखार तेज नहीं है, एक दो दिन आराम करना होगा, मैं दवा दे देती हूँ। तुम अच्छी तरह मुआयना करो खातून, खाने की वजह से कैसे हुआ, कैसे मालूम जहर नहीं दिया गया? रुस्तम, मलिका सुबह तो बिल्कुल ठीक थी, अचानक आखिर ऐसा क्या हो गया कि इनकी ये हालत हो गई? कारिहा मलिका, आका के खसूसी हकीम को खबर दो, वो भी देख लें आकर, ताकि इत्मीनान हो जाए। आपका जो हुक्म मलिका। मेरी दावत कबूल फरमाकर आप तशरीफ लाई, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मुझे उम्मीद है ये फलाही इदारा आमस्या में कार है खैर अंजाम देने का वसीला होगा। इंशाल्लाह। खाना शुरू करें। मेहरुन्निसा, उस खातून को देख रही हो तुम? अमस्या के सबसे साहबी हैसियत खानदान की फर्द है, वो पाशाजादे खानदान से हैं। तुम्हें बहुत पसंद करती हैं। अल्लाह उन्हें खुश रखे मलिका। वो चंद रोज पहले मुझसे मुलाकात के लिए आई थी, तुम्हें भी देखा था, उनका एक बेटा है। अगर तुम कबूल करो तो अपने बेटे से शादी करना चाहती हैं। शादी? मैंने शादी के बारे में तो मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचा मलिका। तुम इतनी परेशान क्यों हो गई मेहरुन्निसा? जवान हो, खूबसूरत हो, और तुम देख रहे हो यहाँ जितनी भी खवातीन हैं सब तुम्हें अपनी बहू बनाने की ख्वाहिशमंद हैं। मगर मुझे उन खातून पर पूरा भरोसा है, उनका घराना बहुत सुलझा हुआ है और उनके बेटे के बारे में सब कुछ अच्छा सुना है। अगर चाहो तो देख लो। और मैंने शहजादे से भी इस बारे में बात की है, वो भी खुश है इस पर। क्या कहूँ मुझे नहीं मालूम, मेरे लिए बिल्कुल अचानक है ये। तुम इत्मीनान से सोचो।
बाबा मेहरबा मेरी खूबसूरत शहजादी, ठीक हो तुम? हमें डरा दिया था तुमने, खास तौर पर रुस्तम पाशा को। ये बहुत परेशान हो गया था तुम्हारे लिए। शहजादी परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ। खुदा का शुक्र है कि आप होश में आ गई। मुझे तो जैसे सारी कायनात मिल गई। रब आपकी हिफाजत करे। खातून भी हसन फरागत से ठीक तरह से बात नहीं की, बहुत ही जिद्दी है। मालूम था ये उसके बस की बात नहीं, कुछ करना पड़ेगा। इस मसले को मैं हल करूंगी। क्या तुम पागल हो गई हो? शायद तुम सिर्फ मुझे इस महल से बाहर जाने में मदद करोगी। नामुमकिन है खातून, नामुमकिन। मेरा सर कलंग जाएगा। ये सोचो कि अगर ये बात हुरम सुल्तान की समाज तक पहुंच गई कि तुमने इस सिलसिले में मेरी मदद नहीं की, तो फिर क्या होगा? तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन पहले ये बता। पानी की नहर काफी तवील होगी शहजादे मोहतरम। पानी को शहर तक लाने के लिए खर्चात भी होंगे और मजदूर भी दरकार होंगे। आप क्या मशवरा देंगे लाला? बरसाती नालों का रुख उस तरफ मोड़ देते हैं, फासला कम होने की वजह से पानी शहर तक पहुंच जाएगा। लाला बिल्कुल ठीक कहते हैं शहजादे, इस तरह जल्दी पानी मिल जाएगा आवाम को। बरसाती नाले मसला मुस्तकिल हल नहीं कर सकते, चंद माह बाद दोबारा ऐसी परेशानी का सामना होगा। बिल्कुल होगा, लेकिन दोनों अतराफ काम शुरू किया जाए, पानी मुहैया होने तक हम किसी और तरह गुजारा कर लेंगे। माजरा, लेकिन इसमें बहुत अखराजात होंगे शहजादे। पाया तख्त से मदद मांगेंगे लाला, जरूरत पड़ी तो अपने जाती खजाने से भी खर्च कर दूंगा, क्योंकि अगर ये मसला हल नहीं हुआ तो नतीजा मजीद बुरा हो सकता है। लोगों की जमीनें बंजर हो जाएंगी, महसूल की अदायगी भी नामुमकिन होगी और बीमारी, नुकसान, कहत की वजह से सुकून नहीं रहेगा। लाला मेरा फैसला है, फौरन ये काम शुरू किया जाए। आपका जो हुक्म शहजादे। नूर बानो नामी कम नस्ल को मैंने जान फिदा काल्फा के साथ देखा था। वो दोनों कोने में छुप छुप कर बातें कर रही थी। मुझे महसूस हुआ कि वो झगड़ रही थी। मसला क्या हुआ था? मैं कुछ सुन ना सकी दिलशा खातून, वो मुझे देखते ही खामोश हो गई। आज के बाद उनकी देखभाल करना, उनका साया बनकर। मैंने देख से आने वाली उस कठपुतली की डोर खींचने का वक्त आ गया है। कैसी है? क्या बेहतर है? परेशान ना हो बेहतर है। तबीबा ने दवा दी है, सो रही है। एक दो रोज में बिल्कुल ठीक हो जाएगी बताया है। अल्लाह इसे शिफा दे। हुरम, चलो तुम भी जाकर आराम कर लो, मैं यही हूं। जब तक मेरी औलाद सेहतमंद नहीं हो जाती, मैं कैसे आराम कर सकती हूँ सुलेमान? जहन में मुख्तलिफ वसवसे मुझे परेशान करते हैं। अब तक मेहमत का शौक ही खत्म नहीं हो सका। उसका मकाम जन्नत हो। आमीन। अपने रब से हर दिन दुआ करती हूँ। अगर मेरे घर में किसी की जान लेनी है तो मेरी जान ले ले, लेकिन मेरी औलाद की जान बख्श दे। आओ।
میرے آقا، میں مخل نہیں ہونا چاہتی تھی، لیکن میں فکر مند ہوں. کیسی ہے مہرما؟ مہرما ٹھیک ہے، سو رہی ہے. میرا پروردگار اسے نظر بد سے محفوظ رکھے. بالکل اچانک اسے کیا ہو گیا؟ کیا کوئی صدقہ دیا گیا ہے؟ دیکھو ذرا، رستم پاشا کے آقا کی امانت کی اس طرح حفاظت کر رہے ہیں. تم کیسی ہو ہورا؟ آپ کے سامنے ہو شہزادے، تمہیں افسردہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اطمینان رکھو، میری بھتیجی جلد ٹھیک ہو جائے گی. تم تو پہلے ہی بیمار ہو، ذرا آرام کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری صحت بھی خراب ہو جائے. کیا مر گیا ہے؟ کیا کوئی بات اگلوا سکے اس سے تم؟ علی آغا نے جو آپ کی دعوت کی، اس سے پہلے پاشا لشکر کے پاس ایک قاصد آیا تھا. کیسا قاصد؟ شہزاد مصطفیٰ کا قاصد تھا کیا؟ نہیں پاشا، خضر خیر الدین پاشا کا قاصد تھا. میں یہ جانتا تھا. اور کچھ بتایا اس نے؟ اللہ اس کی مغفرت فرمائے. کچھ ہوا ہے کیا؟ نہیں، تمہاری حویلی کے بارے میں جاننا چاہتا تھا. تعمیر کب تک ختم ہو جائے گی؟ چند روز میں ختم ہو جائے گی اور آپ کی مجھ سے جان چھوٹ جائے گی. ماہ دورہ سلطان نے میرے لیے کوئی اچھا رشتہ دیکھا ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں بھی دیکھ لوں. میرے خیال سے آپ کو بھی معلوم ہوگا. اصل اہمیت تمہاری رضامندی کی ہے مہرالنساء، کیونکہ یہ فیصلہ نہ میں کر سکتا ہوں نہ ہی والدہ کر سکتی ہیں. یہ فیصلہ صرف اور صرف پاشا کر سکتے ہیں. میں کیا چاہتی ہوں میں نہیں جانتی. جو نہیں جانتی وہ آپ کی رضامندی ہے شہزادے. آپ کے خیال میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میرے لیے اس سے بڑی اور کیا خوشی ہوگی کہ تم جہاں رہو شاد رہو. میری شاد آباد رہنے کی اہمیت نہیں، میں صرف آپ کا جواب چاہتی ہوں. مہرالنساء صاحب، میں کسی غلط راستے پہ چلنا نہیں چاہتا. پھر آپ اپنے دل کی آواز سنیں شہزادے، آپ کبھی بھی غلط راستے پر نہیں چلیں گے. مجھے سچ بتائیں، کیا واقعی میری شادی کروانا چاہتے ہیں آپ؟ آ جاؤ. عظیم مصیبت ٹل گئی ہے آقا، ایک طرف مہرما دوسری طرف نازنین، شکر ہے کہ دونوں ٹھیک ہیں. نازنین کو کیا ہوا تھا؟ کل رات اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس حالت میں تو اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے. دراصل وہ پہلی بار امید سے ہوئی ہے نا، اس لیے گھبرا گئی تھی. خیر سے دوا پلا دی ہے اور اب وہ بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ. آپ ہسمکھ طبیعت کی مالک ہیں شہزادی. حرم میں سب کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی ہے آپ کی آمد سے. مسکراہٹ میرے آنے سے نہیں، بلکہ یہ تو آنے والے شہزادے کے باعث ہے حرم. بہت بابرکت ثابت ہوگا وہ ہمارے خاندان کے لیے انشاءاللہ. میں محل واپس جا رہا ہوں، تو میرے ہمراہ چلو فاطمہ. حرم صورتحال جب بہتر ہو جائے تو مجھے خبر دینا. میرے آقا. رستم پاشا ابھی تک یہاں ہوں، میں سمجھی ہر جگہ بھی نہ جا چکی ہوں. مہرما سلطان کو اس حال میں چھوڑ کر میں جانا نہیں چاہتا تھا شہزادی. آلہ،
मेहरमा जब सहतियाब हो जाए तो तुम रवाना हो जाना, उमूर सल्तनत किसी का इंतजार नहीं करते। पाशा मोहतरम। आओ अली आगा, आओ। मुझे बताओ क्या सूरत हाल है। खबर बुरी है पाशा, मेरा सबसे करीबी आदमी हसन चाउश अचानक कहीं गायब हो गया, कोई निशान नहीं मिला। वो कहाँ है ये कोई भी नहीं जानता। उसके साथ कुछ हुआ है ये आश्कार है। गोया रुस्तम को चैन नहीं आ रहा। मेरे ख्याल में रवानगी से पहले भी जितना नुकसान पहुंचा दिया वो काफी है। क्या अभी तक नहीं गया? महरमा सुल्तान की तबीयत खराब हो गई है, उनके बहाने रुक गया। फैसला हो चुका है, मजबूरन जाना ही होगा। वो तो चला जाएगा लेकिन हसन चाउश को उसके हाथ नहीं आना चाहिए। वो उससे उगलवाने की कोशिश करेगा। मेरे ख्याल में नहीं, लेकिन इख्तमाद करने में फायदा होगा। बिल्कुल मजीद वक्त ज़ाया ना करो रुस्तम, जल्द हर्षी को बीना चाहो वरना तुम आका के गैसो गजब का निशाना बन जाओगे। जाना ठहर चुका है मलिका, लेकिन जाने से पहले इंतकाम लेना शर्त है। ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने तुमसे कहा था कि इंतकाम के मुतालिक नहीं सोचोगे। आपने ये कहा तो था लेकिन मेरा शक दुरुस्त निकला मलिका। ये नीचर वाले हादसे के पीछे यकीनन साजिशकार फरमा थी, कुछ भी इत्तेफाक से पेश नहीं आया था। साजिश कैसी? आखिर कौन कर सकता है ये साजिश? अमीरुल बहर पाशा, अली आगा के साथ वो इस साजिश में शरीक है। जाहिर है जो कुछ भी हुआ उसके पीछे अमीरुल बहर पाशा का ही हाथ है। अली आगा के आदमी ने सब कुछ बता दिया है, अपनी बेटी मेहरुन्नेसा को भी आमसिया भेज दिया है उन्होंने। शहजादे मुस्तफा से रब्ता उसकी बेटी करवा रही है। अगर ऐसा ही है तो बुस्तान सिपाही ने क्यों खबर नहीं भेजी? उसे बहुत पहले ही मारा जा चुका है मलिका, मुझे खबर देने के बाद शायद वो बेचारा पकड़ा गया था। शहजादा अपनी औकात से बड़े काम कर रहा है। उन्हें मशवरे देने वाला बारबरूस है। ऐसा लगता है कि पाशा शहजादे को तख्त पर बिठाकर सल्तनत को संभालना चाहते हैं मलिका। ऐसी ख्वाहिशों का खमियाजा भुगतना ही पड़ता है रुस्तम, हमें उसे ये बात समझा देनी चाहिए। क्या उसका किस्सा तमाम कर दिया जाए? नहीं, उसकी दुख्तरे अजीज का किस्सा तमाम कर दो। आओ शहजादे, मनीषा में भेजे गए मुखबिर ने एक खबर भिजवाई है। आपका चेहरा देख के लगता है खबर ख्वाहिश के मुताबिक आई है। आपका अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है, मनीषा में काफी हलचल मची हुई है शहजादे। ये सुनकर बिल्कुल हैरत नहीं हुई। शहजादे सलीम भेज बदल कर बाजार का दौरा कर रहे थे, उनके मुहाफिज ने वहां एक दुकानदार की जान ले ली। ये सब कैसे हुआ? शहजादे की शान के खिलाफ गुस्ताखी की थी उसने। मालूम है मनीषा के अवाम उन्हें पसंद नहीं करते। ये हरकत सलीम के शायान निशान है, मनीषा को संभालने में वो कामयाब नहीं हो सकेगा, मैं जानता था। पानी का मसला हल होने से सब कुछ ठीक हो गया शहजादे, अवाम ने तहफ भेजे हैं आपके लिए। उनका सुकून मेरा सुकून है गजनफर, ये तो कुछ भी नहीं, मैं इतने काम करूंगा कि लोग अश अश कर उठेंगे। आओ। शहजादे। आओ नूरबानो, जा सकते हो तुम। अवाम के दिल में काफी जगह बना ली है शहजादे। बेशकीमत तहाइफ है सब।
लिए आपको एक तोहफा देना चाहती हूँ। क्या है वो? उसके लिए आपको अपनी आंखें बंद करनी होंगी। तुम क्या कह रही हो नौरबानो? इसकी क्या जरूरत है?